Welcome back to my channel, Indian Woman Grihini. I hope you all good and be healthy. हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ वेजिटेबल मैगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी होता है. तो चलिए शुरू करते, बना लेते, देख लेते क्या क्या लगेगा इसमें. गाजर, बीन्स, प्याज, ग्रीन चिली, टमाटो, शिमला मिर्च, ब्रोकली, ये सब मैंने हाफ हाफ कप लिया है. और एक मैगी ले लिया है, इसमें आप दो मैगी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एक मैगी यूज़ किया है बिकॉज मुझे ज़्यादा वेजिटेबल पसंद है, इसीलिए इसमें मैंने ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ किया है. चाहे आप इसमें कम वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं. और हाफ कप मैंने कॉर्न भी ले लिया, इसके बदले आप मटर भी यूज़ कर सकते हो. मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है, ऑयल डाल दिया है, 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है. इसमें हम फर्स्ट ग्रीन चिली डाल देंगे. मैंने ग्रीन चिली 3 से 4 ग्रीन चिली लिया था. और इसमें मैंने एक प्याज लिया था, ऑनियन, इसमें ऑनियन डाल देंगे. ऑनियन को अच्छे से भूंज लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑनियन को, कलर जब तक चेंज ना हो जाए ऑनियन का. हमारा ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है. अभी हम इसमें एक एक करके सब वेजिटेबल जितने हैं वो सब डाल देंगे, बट टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, टमाटर हम बाद में डालेंगे. हमारे वेजिटेबल को सब अच्छे से फ्राई करना है. और जो कॉर्न था, मैंने कॉर्न भी मिक्स कर लिया, अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें इसे. वेजिटेबल को अच्छे से पका लेना है, इसीलिए मैंने ढक दिया है. 5 मिनट तक आपको पका लेना है वेजिटेबल को अच्छे से. और ये हमारा वेजिटेबल अच्छे से पक गया है थोड़ा. और इसमें हम टमाटर डाल देंगे, सॉल्ट 1 टेबल स्पून डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो. हमारा वेजिटेबल अच्छे से पकने देंगे, इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि जो सॉल्ट हमने डाला था वो उसका स्वाद अच्छे से आ जाए उसमें. हमारा वेजिटेबल अच्छे से पक चुका है. अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे. और 1 टेबल स्पून जो हमारा मैगी मसाला है, वो एक पैकेट जो है हमारा, वो डाल देंगे. और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए, भून जाए, और हमारा वेजिटेबल में भी मिक्स होके अच्छे से पक जाए. और इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे ताकि हमारा वेजिटेबल अच्छे से पक जाए. इसे हम ढक देंगे 2 मिनट तक. हमारा वेजिटेबल अच्छे से पक गया है और उबाल आ चुका है पानी में, तो अभी हम मैगी डाल देंगे इसमें. आप चाहे तो 2 पैकेट मैगी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने एक पैकेट ही मैगी यूज़ की है. अच्छे से मिक्स करना है और हमें मैगी को चलाते रहना है और हमारा 2 मिनट तक ढक देंगे ताकि मैगी अच्छे से पक जाए. देख लीजिए, हमारा मैगी बन चुका है और देखने में भी बहुत ही यम्मी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है. इसे आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं. ये बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे लोग को ये बड़े चाव से खाएंगे बच्चे लोग, और बड़े लोग भी बहुत ही चाव से खाते हैं. मेरे हस्बैंड बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये रेसिपी, वेजिटेबल मैगी रेसिपी आपके साथ शेयर की है. आप ज़रूर ट्राई करना घर पे. टिल देन, बाय बाय.
thanks for watching my video and please subscribe my channel.